हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संख्यान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ राहुल डूडी। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। उस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी, है ना। हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा था बेस के बारे में। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जैसे हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, प्रॉपर्टीज़ में जनरली हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पता होती है, टेस्ट कैसा होता है उनका, है ना, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। तो देखो जरा प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखा है बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सेम चीज़ हमने लिखी थी एसिड्स के लिए कि एसिड्स का जो सॉल्यूशन होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि अगर कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है मोमेंट ऑफ आयंस। आयंस मूव करते हैं और उसकी वजह से सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। इसका मतलब ये होगा कि बेस अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो बेस आयंस में ब्रेक हो रहा होगा। और लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि जो बेस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करता है, है ना, और इन्हीं आयंस के मूवमेंट की वजह से ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, राइट। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एसिड के लिए भी लिखा था हमने एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वैसे ही बेस के लिए भी सेम ये चीज बोल सकते हैं, बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है यहां तक। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जहां एसिड्स की बात करी थी। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो हम लोग कहते थे सॉल्ट प्लस H2 बनेगा। सेम चीज यहां भी है कि जब भी बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और मैंने बताया भी था कि हाइड्रोजन गैस बर्न होती है किस साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ, है ना। तो वहां से आप हाइड्रोजन गैस का पता लगा सकते हो, ठीक। तो देखो एक रिएक्शन लिखी है मैंने, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, प्रोडक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल कौन सा है यहां, जिंक। तो बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बनेगा, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये तो Na2ZnO2 है, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, है ना। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखोगे। फिर नीचे मैंने लिखा है ऑल द मेटल्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, है ना। ये ऑब्वियस है, सारी मेटल्स ये रिएक्शन शो नहीं करती। हाँ, जो मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ वो सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो जरा कौन सी है, रिएक्शन विद एसिड्स। ये कल पढ़ चुके हैं हम लोग, लास्ट क्लास में हमने लिखा था एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, है ना। और इस रिएक्शन को क्या बोलते थे आप, इस रिएक्शन का नाम होता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दो मैंने इसे एग्जाम्पल लिखे हुए भी हैं, आसान है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, किसके साथ रिएक्ट किया इसने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा, है ना। वैसे ही एक और मैंने बेस लिख दिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोफिशियंट 2 आ रहा है, और NaOH का कोफिशियंट भी 2 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कल पढ़ चुके हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फिर देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, और ये चीज आपको पता भी है। वैसे ही आप लोग लिखोगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना। तो अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड है, उसका नेचर एसिडिक है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ऑब्वियस है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2 कार्बन का ऑक्साइड, और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो ये हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड, है ना, ये है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया किसने, यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है एक बेस, तो क्या बनेगा देखो जरा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट साथ में वाटर। और ये रिएक्शन कहां पड़ी है आपने याद करो जरा इसको, लास्ट क्लास में हमने कहा था कि जब आप लाइम वाटर से CO2 गैस को पास करते हो तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो किसकी वजह से करती थी, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही करती थी, और ये रिएक्शन एज इट इज हमने वहां पर लिखी भी थी,
है ना। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बेस, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो बनेगा सॉल्ट और साथ में वाटर। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पे प्रॉपर्टीज की। तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, एसिड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है, बेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है ना। अभी तक आपको याद हो जो शुरुआत हमने करी थी, वो शुरुआत करी थी इंडिकेटर से, है ना। तो आप लिखते थे कि इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर आपको बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन एसिडिक या फिर बेसिक है इसके बारे में बताएगा कौन, इंडिकेटर। ठीक, वो सिर्फ ये बता पाता है कि एसिडिक है कि बेसिक है, वो ये नहीं बता पाता कि कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। समझ रहे हो मेरी बात को, स्ट्रेंथ नहीं बता पाता। जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ ये बताएंगे, जो नॉर्मल इंडिकेटर्स हमने तीन इंडिकेटर पढ़े थे वो ये बता पाते हैं कि आपका सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। तो अगर हमें स्ट्रेंथ की बात करनी हो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन, वो कैसे पता लगाएंगे हम लोग? तो देखो, दो तरह से पता लगा सकते हो एसिड का स्ट्रेंथ का। सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो तो बात करेंगे पीएच स्केल की, है ना। पीएच स्केल की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज्यादा बेसिक है। और इसमें एक और चीज देखेंगे हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना, वो भी आपको बता देगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है और कितना ज्यादा है, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझो कि किसी भी एसिड या फिर बेस का स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करता है, है ना। अगर मैं कहूं कि ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये वाला बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर पाता है। बेस का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा OH- आयन प्रोड्यूस कर पाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप एग्जांपल लेके चलो, मान लो एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा आपने ले लिया एसिटिक एसिड उसका, और इन दोनों एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम ले ली, मान लो दोनों 1:1 मोलर ले लिए। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम प्रोड्यूस करेगा वो वीक एसिड होगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था। तो बताओ जरा, ज्यादा H+ आयन कौन प्रोड्यूस करेगा HCl और एसिटिक एसिड में से? हमने देखा था कि HCl जो होता है वो 100% आयनाइज हो जाता है, और वो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करता है, उस वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो एसिडिक होगा, एसिडिक एसिड होगा वो पार्शियली आयोनाइज होता है, उस वजह से H+ की कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत थोड़ी देगा, तो वो वीक एसिड होगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी एसिड या फिर बेस की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस आयन्स पे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन्स प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये तो बात होगी किस चीज पे डिपेंड करती है। अब आप इसको क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर कर सकते हो, है ना, कि कितना स्ट्रेंथ ज्यादा है सॉल्यूशन का। तो नीचे देखो मैंने एक लाइन लिखी है, द स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, किस पे मेजर करते हो आप? ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड पीएच स्केल, है ना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, उन्होंने ये स्केल डिजाइन किया। उन्होंने क्या किया, एक स्केल बनाया जिसपे नंबर लिखा उन्होंने कहां से कहां तक, 0 से लेके 14 तक। इसको बोला गया पीएच स्केल। इस पीएच स्केल पे नंबर, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना है, उससे आप बता सकते हो कि वो सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक या फिर कितना ज्यादा बेसिक है, है ना। तो पीएच में ये जो पी है ना, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब है पोटेंश। पोटेंश एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, है ना। तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ एच प्लस, है ना, कितना H+ का पावर है। तो अगर आपको पता लग गया कि H+ का पावर कितना है, मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो ये भी बता सकते हो कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है, है ना। मेरी बात समझ आ रही? तो अब देखो एक चीज, ये मैंने स्केल बना रखी है 0 से लेके 14 तक, जिसको मैं पीएच स्केल बोल रहा हूं। इसके बीच में एक नंबर आएगा कौन सा, 7। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है, सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम है, तो वो सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक होगा। अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा है, तो वो सॉल्यूशन हमेशा बेसिक होगा, ठीक है। और पीएच 7 से जितना कम होगा, वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। पीएच जितना कम, सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक।
इसका मतलब जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जब मैं जितना कम पीएच होगा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? जितना कम पीएच एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा, और एसिडिक नेचर ज्यादा इसका मतलब क्या है, उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो यहां से एक रिजल्ट बन गया मेरे लिए, कौन सा रिजल्ट, कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स के, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, पीएच 7 से जितना ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर 7 से ज्यादा की तरफ मैं जा रहा हूं तो बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, और बेसिक नेचर इंक्रीज करने का मतलब कौन से आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और इसका मैं ऑपोजिट भी बोल सकता हूं, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो यहां तक हमने बात कर ली सॉल्यूशन में स्ट्रेंथ कैसे बताते हो आप, पीएच स्केल पे जो नंबर लिखे हुए हैं उनकी हेल्प से कैसे बता पाते हो, है ना। जो ये जो पीएच 1, 2, 3, 4 ये एक नंबर है, इसको सिर्फ आपको एक नंबर की तरह ट्रीट करना है जो बताता है किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में। अब देखो कुछ एक मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए एग्जांपल कि कौन सा सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच कितनी होती है। तो इसके बारे में ना हल्का सा आपको आइडिया रखना है। जैसे पहला मैंने लिखा है गैस्ट्रिक जूसेस, जो आपके स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको गैस्ट्रिक जूसेस बोला जाता है, और उनका पीएच देखो आप कितना कम होता है, 1.2, है ना। लेमन जूस है उसका पीएच आप देखोगे लगभग 2.2 के बराबर होता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के लिए पीएच कितना होता है, 7 होता है। ब्लड, जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 होता है, इसका मतलब अपना जो ब्लड है वो बेसिक इन नेचर है। सलाइवा, बिफोर मील और आफ्टर मील अलग अलग है, जो आपका मुंह का सलाइवा है वो बिफोर मील कितना है 7.4, और आफ्टर मील कितना है 5.8। तो बिफोर मील होता है वो बेसिक इन नेचर, और आफ्टर मील हो जाएगा वो एसिडिक इन नेचर, है ना। तो होता क्या है जनरली, आप देखो कि हमें ऐसा बोला जाता है ना कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए सबसे पहले, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपका जो मुंह का सलाइवा होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, और जैसे आप पानी पियोगे तो वो सलाइवा आपके उस पानी के साथ चला जाएगा कहां पे, स्टोमक में, और अगर स्टोमक में एसिड ज्यादा हो रखा है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो एसिडिटी नहीं होगी इससे, समझ आई मेरी बात। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनका पीएच कितना होता है 5.6, तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे, इसीलिए बोला जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए, इससे आपका जो ब्लड का पीएच होगा या फिर स्टोमक का पीएच होगा वो बहुत कम हो जाएगा, और जिससे आपको एसिडिटी वगैरह हो सकती है। ठीक है, यहां तक समझ आई। तो ये हमने बात कर ली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस किसकी हेल्प से, पीएच स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हमने बात करी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की, बट वो स्ट्रेंथ कैसे बता रहे थे आप, आपको अगर सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाए, है ना, H+ की क्वांटिटी पता लग जाए किसी भी कैलकुलेशन के थ्रू, तब आप बोल सकते हो सॉल्यूशन का पीएच कितना है, और पीएच पता लग गया तो फिर आप बता सकते हो सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक या फिर कितना ज्यादा बेसिक है ना। बट अब मान लो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, आपको सिर्फ सॉल्यूशन को देख के बताना है, उसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं पता है, फिर भी आप बताओ कि सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज्यादा बेसिक है, तो उसके लिए यूज किया जाता आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, जो क्या करता है ना, डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर शो करता है। क्या बोला मैंने, वापस सुनो, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, जो क्या करता है, डिफरेंट पीएच रेंज पे डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर शो करेगा, है ना। तो अब उस कलर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन का पीएच कैसा रहा होगा, है ना। तो मान लो ये आपका एक पीएच मैंने बना रखा है स्केल, जिसपे नंबर 0 से लेके 14 तक लिखा हुआ है, बीच में पीएच आएगा 7, और आपको बताया कि जब सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना। तो यहां पे सॉल्यूशन है न्यूट्रल, अब जैसे ही आपने इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो आपको कलर कैसा दिखेगा, ग्रीन, ये ध्यान रखना है ना।
जब यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ग्रीन कलर आएगा ना, तब आप बता दोगे सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 7 है और वो न्यूट्रल है। बात समझ आ रही? अच्छा, अगर पीएच सॉल्यूशन का 7 से कम है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, है ना? और एसिडिक में भी अगर जैसे ही आपने डिप किया और उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर आ गया डार्क रेड, डार्क रेड होना बताता है कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक है। उस सॉल्यूशन का पीएच 1 के बराबर, 1 के आसपास होगा, है ना? सॉल्यूशन का पीएच 1 के लगभग होगा, ठीक। अगर उसका पीएच, अगर कलर ऑरेंज कलर का आता है तो आप बोलोगे यार पीएच थोड़ा और ज्यादा है। अगर उसका येलो कलर आता है, इसका मतलब पीएच और ज्यादा है। और लास्ट में जाके आ जाएगा ग्रीन, वहां पे आप बोल दोगे सॉल्यूशन है न्यूट्रल, ठीक है यहां तक? तो इसका मतलब ये हुआ कि ना, देखो हर एक पीएच रेंज पे ना ये यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर शो कर रहा है। तो ये तो बात होगी एसिडिक वाले की। बात जब आप बेसिक की तरफ जाओगे ना, तो पहले सॉल्यूशन ब्लू होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ग्रीन से ब्लूश होना स्टार्ट होगा, फिर ब्लू से पर्पल होना स्टार्ट होगा, और फिर लास्ट में जाते जाते जब सॉल्यूशन का पीएच 14 के आसपास पहुंच जाएगा, तब उसका कलर कैसा हो जाएगा? वॉलेट कलर हो जाएगा, ना? तो आप देख रहे हो कि इस पूरे पीएच रेंज में जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहा है। तो इन कलर की हेल्प से आप आइडिया लगा सकते हो कि सॉल्यूशन का पीएच कितना रहा होगा, और सॉल्यूशन का पीएच आपको पता लगते ही फिर आप बता देते हो कि सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज्यादा बेसिक है, है ना? तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह से पता लगा सकते हो। एक है विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल, राइट, और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है यहां तक? तो ये तो बात हो गई पीएच ऑफ सॉल्यूशन की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कहां हम लोग पीएच का इंपॉर्टेंस अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज देखो, मैंने लिखा है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है कि जो आपका स्टोमक है ये क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये जो एसिड है वो क्या करता है, किस काम आता है? ये एसिड काम आता है डाइजेशन ऑफ फूड में, जो भी आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम आएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट इसका भी क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए, है ना? अगर ये एसिड बहुत ज्यादा हो गया तब आपको क्या होने लगेगा, एसिडिटी होने लगेगी, पेन होने लगेगा, स्टॉमक में इरिटेशन होने लगेगा, ये सारी चीजें होने लगेगी जब एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो देखो मैंने ये लिखा, और स्टॉमक प्रोड्यूस HCl विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। अगर आपका बॉडी में सॉल्यूशन जो है या फिर आपका स्टॉमक है उसका एसिड बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर क्या होने लगेगा, इनडाइजेशन होने लगेगा आपको और एसिडिटी होने लगेगी, ठीक है? तो उसका इलाज क्या है भाई? इनडाइजेशन किसकी वजह से हुआ था? इनडाइजेशन हुआ था एसिड ज्यादा होने की वजह से। तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे बेस, जिसको आप एंटा एसिड्स बोलते हो, जो क्या करता है सॉल्यूशन आपकी स्टोमक में जो एक्सिस में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। जो एंटा एसिड्स होंगे ना वो कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर, और वो आपके स्टोमक में जो एक्सिस में एसिड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना? तो जनरली कौन से एंटा एसिड्स हम लोग यूज करते हैं, तो देखो दो एंटा एसिड्स मैंने लिखे हुए हैं। एक मैंने लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, है ना? और दूसरा है बेकिंग सोडा, ये हम लोग घर में भी यूज करते हैं। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ये दो बहुत ही वेल नोन एंटा एसिड्स हैं जो यूज किए जाते हैं इनडाइजेशन के क्योर के लिए, ठीक है? तो देख रहे हो आप डेली लाइफ में यूज हुआ ना पीएच का, पहली चीज। सेकंड देखो, सेकंड मैंने क्या लिखा, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपका जो टूथ है उसका जो इनेमल है बाहर वाला वो किसका बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम फोस्फेट का, जो आपकी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस है, है ना? कैल्शियम फोस्फेट टूथ इनेमल उसी का बना होता है, ठीक। अब होता है क्या है, जैसे आप पानी पीते हो तो क्या आपका वो टूथ इनेमल उसमें डाइजेस्ट, मतलब उसमें होने लगता है क्या, डिजोल्व होने लगता है क्या इनेमल? नहीं होता, है ना? ऐसा थोड़ी ना होता है कि पानी पिया और जो इनेमल था उसमें डिजोल्व हो गया। वो डिजोल्व होने लगता है कब, कोरोड होने लगता है कब, जब आपका मुंह का जो पीएच है, माउथ का जो पीएच है वो बहुत कम हो जाता है, है ना? तो मैंने लिखा है टूथ एनेमल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप सबको बनाना आता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, डज नॉट डिजोल्व इन वॉटर, बिल्कुल सही है, बट इज कॉरिडेड व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5। बहुत कम अगर पीएच हो जाए,
और बहुत कम के लिए डेटा कितना है 5.5 से भी अगर कम हो जाए सॉल्यूशन का आपके माउथ का पीएच, तो आपका जो टूथ एनामल होगा वो डिके करने लगेगा, कोरोड होने लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये अपने आप ही माउथ का पीएच कैसे कम हो जाएगा, है ना, तो कैसे माउथ का पीएच कम हो जाएगा, मतलब एसिडिक कैसे हो जाता है माउथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके माउथ में जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया। जैसे आप खाना खाते हो, खाने के साथ शुगर भी आप इंटेक करते हो, है ना, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है आपके माउथ में वो क्या करता है, उन फूड पार्टिकल्स को, उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिड में, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है आपके माउथ में, और शुगर, शुगर पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे उनको डिसइंटीग्रेट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है वो, एसिड्स में, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है फिर, इसका इलाज यही है कि आप खाना खाने के बाद मुंह अच्छे से साफ करो, पहली चीज, या फिर हमें बोला भी जाता है कि खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना चाहिए, टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जो पेस्ट होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। तो अगर आपके मुंह का पीएच कम भी हुआ होगा ना, अगर वो एसिडिक हुआ होगा, तो वो जो टूथपेस्ट होगा जो बेसिक इन नेचर है उसको वापस न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको टूथ डिके होने से बचा लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आई मेरी बात। दूसरी चीज हमने पढ़ ली पीएच इन एवरीडे लाइफ में, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। थर्ड चीज देखो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, यहाँ पे भी पीएच का रोल है। कैसे, पहली चीज देखो जरा मैंने क्या लिखी, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड इन टू द स्किन विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, पता ही आपको है ना, बी स्टिंग जैसे ही होगा आपको वहां पेन होने लगता है ना, दर्द होने लगता है, क्यों, क्योंकि वो स्टिंग आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करता है, एक एसिड इंजेक्ट करता है, उसकी वजह से ऐसा होगा। अच्छा, इसका इलाज क्या फिर, बी स्टिंग अगर हो जाए तो फिर उसका इलाज क्या है, आप क्या करो उसके ऊपर क्या लगा लो, एक माइल्ड बेस यूज कर लो, है ना, माइल्ड बेस, ये अब इधर लिखा हुआ है जैसे बेकिंग सोडा, ये माइल्ड बेस होता है, ये आप यूज कर लो, तो वो क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका जो पेन होगा वो कम हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। अच्छा, जो वास्प स्टिंग होता है ना, वो क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन इंजेक्ट नहीं करता, वो क्या करता है, इंजेक्ट एन अल्कलाइन लिक्विड इन टू द स्किन, और उसकी वजह से भी आपको पेन फील होगा। तो अगर वास्प स्टिंग हुआ है तो आप ऊपर क्या रब करोगे, आप रब करोगे एक एसिडिक सब्सटेंस, और अगर बी स्टिंग हुआ है तब क्या करना पड़ेगा, आपको एक माइल्ड बेस रब करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात। अच्छा, एक और चीज लिखी मैंने, देखो, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। जो नेटल लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे उनको आप छुओगे ऐसे, तो वो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और उसकी वजह से आपको पेन होने लगता है। वापस वही चीज, इसका इलाज क्या है, क्या क्योर है, आप क्या करो, स्किन पे क्या रब कर लो, एक माइल्ड बेस रब करो, ठीक है, यहां तक, है ना। फिर देखो फोर्थ पॉइंट लिखा है मैंने इसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, बिल्कुल होता है। उसमें भी दो चीज अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, पहला है सॉइल के लिए, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, लिखा है मैंने प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7, है ना, जब पीएच सॉइल का लगभग 7 के आसपास होगा तभी उसमें कोई भी प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अच्छा, अब सॉइल का पीएच किसकी वजह से चेंज होता है, अगर जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं सॉइल में, अगर वो एक्सिस में यूज करो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस सॉइल की पीएच को, उसके बैलेंस को बिगाड़ देते हैं बिल्कुल, या तो उन फर्टिलाइजर की वजह से वो आपकी पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, या फिर पीएच बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगी, है ना। तो मैंने दो चीजें लिखी है नीचे, अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है ना, तो उसको एसिडिक हो गया तो उसको 7 के आसपास लाने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, उसमें कोई एक बेस डालना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे हम लोग जनरली यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कई जगह कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज किया जाता है, जो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो ज्यादा एसिडिक सॉइल है उसकी पीएच को थोड़ा बढ़ा देते हैं और 7 के आसपास पीएच ले आते हैं। अच्छा, अगर इसका ऑपोजिट हो गया, अगर सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है, तब क्या करोगे आप, ऑब्वियस है, ज्यादा बेसिक हो गया तो उसमें क्या ऐड कर दो, एसिडिक मटेरियल यूज करो, है ना। तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर, जिसको आप कंपोस्ट भी बोलते हो, कंपोस्ट में एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो उस सॉल्यूशन की पीएच जो कि बहुत ज्यादा बेसिक हो गया था, 7 से बहुत ज्यादा हो गया था, उसको वापस 7 के नजदीक ले आते हैं, है ना। तो प्लांट की ग्रोथ में भी सॉइल पीएच का बहुत ज्यादा रोल है। वैसे ही सेकेंड चीज मैंने लिखी है, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखता हूं मैं, और बॉडी वर्क्स वेल इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, अपना बॉडी इसी पीएच रेंज में काम कर पाएगा। अगर बहुत ज्यादा कम हो गया सॉल्यूशन का पीएच आपकी बॉडी में, ब्लड का पीएच,
तब भी नुकसान, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है तब भी नुकसान वाली चीज है ना। और नीचे मैंने क्या लिखा है, एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द लेक और रिवर वाटर विद इन अ नैरो पीएच रेंज, है ना। जो एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट होती हैं आप देखते हो रिवर में या फिर लेक में, वो भी एक बिल्कुल नैरो पीएच रेंज में ही सर्वाइव कर पाती हैं। अगर वहाँ पे पीएच बहुत कम हो जाए उस वाटर का या फिर पीएच बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, है ना। एसिड रेन किसको बोलते हो, एसिड रेन बोला जाता है जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है। और जब ये रेन वाटर लेक में जाएगा या फिर रिवर में फ्लो करेगा तो उसके पूरे के पानी को भी बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देगा और उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ्स प्रेजेंट होंगी उस वाटर में उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये हमने चार चीज़ें पढ़ी है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में, इंपॉर्टेंट है। इस पे एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया एसिड्स और दूसरा हमने डिस्कस किया बेस, उन दोनों की बात हो चुकी है। इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है सॉल्ट्स। अब आपको पता है कि सॉल्ट्स बनते कैसे, रिएक्शन लिख चुके हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लिखा था ना कि एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और इन्हीं सॉल्ट्स के बारे में हमें इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है, है ना। अब मान लो आपका एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो सॉल्ट्स बना रहे होंगे उन सॉल्ट्स को रखा जाएगा क्लोराइड्स वाली कैटेगरी में, उन सॉल्ट्स को क्या कहा जाता है, क्लोराइड्स कहा जाता है, है ना। वैसे अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्ट्स बनाएगा उनको बोला जाएगा सल्फेट्स। HNO3 कौन सा एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड जो भी सॉल्ट्स बना रहा होगा उनको बोला जाएगा नाइट्रेट्स, है ना। H2CO3 कौन सा एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड जो भी सॉल्ट्स बना रहा होगा उनको बोला जाएगा कार्बोनेट्स। CH3COOH बताओ जरा कौन सा एसिड है, ये एसिटिक एसिड, तो इसके जो सॉल्ट्स होंगे उनको कहा जाएगा एसिटेट्स, है ना। एक आइडिया लग जाता है, जैसे अगर लिखा हो ना कैल्शियम क्लोराइड तो आपको पता लग जाएगा यार गारंटी है क्लोराइड लिखा है ना, इसका मतलब इसमें एसिड कौन सा रहा होगा, HCl रहा होगा, है ना। ऐसा लिखा हो एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा सल्फेट लिखा है ना लास्ट में, इसका मतलब इसमें एसिड कौन सा रहा होगा, H2SO4 रहा होगा, है ना। तो ये पीछे नाम देख के पता लग जाता है कि एसिड कौन सा प्रेजेंट होगा। तो मैंने एक टेबल से बना रखी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्ट्स वाला पोर्शन, इसमें मैंने सॉल्ट्स के नाम लिख रखे हैं इधर। आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है, फिर आपको ये बताना है कि ये वाला सॉल्ट कौन से एसिड से और कौन से बेस से बना है, लिखा ना एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट होगा इस सॉल्ट फॉर्मेशन में कौन सा एसिड काम में आया होगा और कौन सा बेस काम में आया होगा। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला बनाना आप सबको आता है ना, 10th class 9th class में पढ़ लेते हो ये सारी चीजें। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला वो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl-, है ना। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, तो इसका मतलब दोनों की वैलेंसी अगर 1 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा NaCl, है ना। और अगर इसमें पूछे एसिड कौन सा है तो अभी मैंने बताया क्लोराइड्स कब आएगा, जब एसिड कौन सा प्रेजेंट हो, HCl, तो पता लग गया आपको एसिड कौन सा होगा, HCl होगा, है ना। अगर HCl एसिड है तो बताओ बेस कौन सा होगा, NaCl में HCl तो एसिड हो गया तो बेस किससे बना होगा, Na से, तो बेस कौन सा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। NaOH प्लस HCl ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। समझ आ रही मेरी बात, तो बताओ जरा नेक्स्ट सोडियम सल्फेट क्या फॉर्मूला होगा, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फेट इसकी वैलेंसी कितनी होती है, SO4 2- को सल्फेट बोलते हो ना, उसकी वैलेंसी होती है 2, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है यहां तक। तो बताओ एसिड कौन सा प्रेजेंट है, सल्फेट आते ही आपको पता लग गया एसिड कौन सा होगा जी, H2SO4 हो जाएगा, राइट। समझ आ रही मेरी बात, और बेस कौन सा होगा, इधर देखो जरा SO4 H2SO4 से आया है तो यहाँ पे जो बेस होगा वो NaOH हो जाएगा, NaOH और H2SO4 रिएक्ट करेगा, H+OH- H2 बना देगा और पीछे क्या बच जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, जिंक की वैलेंसी कितनी 2, कार्बोनेट किसको बोला जाता है CO3 2-, इसकी वैलेंसी भी 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ZnCO3। जब कार्बोनेट लिखा होता है तो एसिड कौन सा होता है, H2CO3, और बेस कौन सा हो जाएगा बताओ जरा, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक की वैलेंसी 2 होती है ना, इसलिए ZnOH ट्वाइस हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखो कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट वापस SO4 2-, वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, तो फॉर्मूला बन गया
CaSO4, ठीक है। अच्छा सल्फेट है, इसका मतलब एसिड कौन सा रहा होगा, H2SO4 रहा होगा। और बेस किससे मिलके बना होगा, कैल्शियम से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे बताओ मेरी बात समझ आ रही है क्या। नेक्स्ट देखो जरा एग्जांपल, सोडियम नाइट्रेट है ना, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन किसको बोला जाता है, NO3-, वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी भी 1, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा NaNO3, ठीक है। और नाइट्रेट है तो बताओ एसिड कौन सा होगा इसमें, एसिड होगा HNO3। और बेस कहां से बनेगा, Na से, तो बेस कौन सा प्रेजेंट होगा, NaOH। समझ आ रही बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या होता है, NH4+, है ना। सल्फेट आपको बताइए SO42-, तो बताओ जरा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन जाएगा NH4 twice SO4, क्योंकि NH4 की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, फॉर्मूला बन गया NH4 twice SO4। सल्फेट है बोले तो एसिड कौन सा प्रेजेंट होगा, H2SO4 प्रेजेंट होगा जी, बिल्कुल सही है। बताओ जरा बेस कौन सा होगा, बेस होगा या भाई साहब NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले ना आपको ये पहचान होनी चाहिए कि सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना, बहुत काम की चीज है ये, है ना, आगे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा तो ये तो हमने पहचान लिया कि सॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये पहले आपने पढ़ा भी है 9th-10th class में, और फिर एसिड कौन सा प्रेजेंट है और बेस कौन सा प्रेजेंट है ये भी हमने देख लिया। अब मेरे हिसाब से आप कोई सा भी सॉल्ट हो उसमें एसिड और बेस के बारे में बता सकते हो। फिर एक चीज लिखिए जरा, देखो जरा आपको अगर याद हो तो आप लिखते थे कि जो एसिड और बेस का सॉल्यूशन होता है पानी में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि एसिड और बेस वाटर में आयंस प्रोड्यूस करते हैं और उन आयंस की मूवमेंट की वजह से वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो मुझे बताओ क्या सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल करते हैं, सॉल्ट का जो वाटर में सॉल्यूशन होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब सॉल्ट्स भी आयंस में प्रोड्यूस डिसोसिएट हो सकते हैं ना। कैसे, जैसे NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड, जैसे आप उसको पानी में डालोगे Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, और ये जो दोनों आयंस होंगे Na+ और Cl-, ये फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। आयंस मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज के मूवमेंट की वजह से इस पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये चीज मैंने लिखी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पहले से ही पता आपको, ठीक बात। अच्छा अब इसके बाद सॉल्ट की भी पीएच होती है, एसिड की पीएच हमने निकाली थी, बेस का पीएच के बारे में हमने डिस्कस किया था, सॉल्ट की पीएच कैसे फाइंड करोगे, मेथड आज भी वही है। क्या लिखा है, अगर आपका सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, देखो ना इधर हमने निकाले थे ना कि जैसे ये वाला है सॉल्ट, इस एसिड से और इस बेस से मिलके बना होगा, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो वो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल बोले तो उसका पीएच कितना होगा जी, पीएच हो जाएगा 7, ठीक। अच्छा नेक्स्ट मैंने लिखा, अगर आपका सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है ना, एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बताओ फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, या फिर वो जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा। आप बोलोगे सर क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्ट भी बेसिक होगा, और जो बेसिक होगा तो उसका पीएच 7 से कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो तो ऑब्वियस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है बेस वीक है, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा और उसका पीएच 7 से कम होगा। तो यहां पे ना इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि जस्टिफाई करो कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है इसका मतलब ये सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा, है ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई इसमें सबसे पहले तो एसिड कौन सा है, ये किस बेस से मिलके बना है, अब एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ये चीज आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां इसीलिए मैंने बोला था सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना और फॉर्मूले से पहचानना कि वो एसिड और बेस कौन सा प्रेजेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार और एग्जांपल 3-4 लेके आपको समझा रहा हूं, वापस समझ लेना। NaCl लिखा है जी आपके सामने, NaCl सॉल्ट है, Cl दिखते ही पता लग गया इसमें बेस कौन सा होगा NaOH, और एसिड कौन सा होगा HCl। आप मुझे बताओ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि वीक बेस होता है, आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रॉन्ग होता है। HCl वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है बताओ जरा वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल है तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, बोलो जरा पीएच हो जाएगा 7। समझ आ रही मेरी बात यहां तक, चलो नेक्स्ट देखो जरा ये वाला CH3COOH, क्या नाम है इसका, नाम बताओ सबसे पहले, इसका नाम है जी एसिड कौन सा इसमें CH3COOH, और जो CH3COOH जब एसिड होता है
तो उसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एसीटेट्स की कैटेगरी में। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा इसका? सोडियम, नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ठीक है जी। तो इसका मतलब इसमें एसिड कौन सा है? CH3COOH, और बेस कौन सा है? NaOH। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? अब बताओ CH3COOH वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड? पता है मेरे हिसाब से आप सबको, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस? आप बोलोगे सर ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बोले तो सॉल्यूशन फाइनल कैसा होगा बोलो जरा? बेसिक इन नेचर होगा और इसका पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही बात? अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, अमोनियम सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट। बताओ जरा बेस कौन सा है इसमें? NH4OH। एसिड कौन सा? H2SO4। बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस? आप बोलोगे सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस होता है, H2SO4 वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड? आप बोलोगे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलो अब की बार सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक, और एसिडिक बोले तो पीएच 7 से कम हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? नेक्स्ट देखो जरा, क्या नाम है इसका बताओ? यह है सोडियम, यह है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बताओ बेस कौन सा है इसमें? NaOH, और कार्बोनेट लिख दिया तो एसिड कौन सा? H2CO3। ठीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस? आप बोलोगे सर NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। H2CO3 वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड? आप बोलोगे सर ये वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा बताओ कैसा होगा? बेसिक, और बेसिक बोले तो पीएच कितनी हो जाएगी उसकी? 7 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इधर वाले जो एग्जांपल्स हैं इनमें भी यही चीज वापस अप्लाई कर सकते हो, आप प्रैक्टिस के लिए इन एग्जांपल्स को और यूज कर सकते हो। एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे उसमें भी मिलेगा, आप अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखोगे तो वहां पे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी डिस्कस करी, क्या होती है एसिड कौन सा, बेस कौन सा, और एसिड और बेस के अकॉर्डिंग उस पीएच, उस सॉल्ट का पीएच कैसे चेंज होगा वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट चीज हमें डिस्कस करनी है ना वो है सॉल्ट्स की प्रिपरेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग सॉल्ट्स लिखेंगे, फिर वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, उनके यूजेस क्या है, वो हमें देखना है इस पोर्शन में। तो सबसे पहला जो सॉल्ट है हमने लिखा है वो है कॉमन सॉल्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत काम का, इंपॉर्टेंट वैसे नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट ये जो सॉल्ट होगा ये बहुत सारे अदर सॉल्ट्स बनाने में यूज होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉमन सॉल्ट जिसको आप क्या कहते हो, सोडियम क्लोराइड, कैसे बनता है? आप ले लो बेस कौन सा? NaOH बेस होता है एक, इसने रिएक्ट किया किसके साथ? HCl जो कि एक एसिड है, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर, और ये जो NaCl है इसी को आप क्या कहते हो? कॉमन सॉल्ट, या फिर इसको और क्या कहा जाता है? रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। कैसे मिलेगा आपको? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी है, अगर आप सी वाटर लो, सी वाटर को इवेपोरेट कर दो तो पीछे क्या बचेगा? सिर्फ कॉमन सॉल्ट बचेगा, है ना। और इसको अंडर ग्राउंड डिपॉजिट से भी ये मिलता है जनरली। तो नेक्स्ट वाला जो मैंने टॉपिक लिखा है, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट लिखा है उसमें क्या लिखा है? क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इसका नाम वहीं से पड़ा है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट से ये मिलेगा, और बड़े बड़े इसके टुकड़े मिलेंगे आपको, रॉक की तरह वो लग रहे होंगे, इसीलिए इसको बोल दिया गया रॉक सॉल्ट, है ना। तो ये तो हो गया कैसे मिलेगा, है ना, प्रिपरेशन कैसे हुआ होगा इसका। दूसरा पार्ट जो इसमें आएगा वो है यूज, कहाँ यूज होता है। तो पहला चीज मैंने लिखा है यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग यूजफुल केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इन तीनों के बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है अभी। तो इन तीनों की ही प्रिपरेशन में यूज होता है क्या? NaCl। अभी मैंने डिस्कस भी किया, आपको बताया भी कि ये बहुत सारे अदर केमिकल्स के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है नहीं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। नेक्स्ट इसका यूज लिखा है यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में यूज होता है। और तीसरा जो यूज है ना इसका लिखा है, अगर जहां पे कोल्ड कंट्रीज होते हैं जहां टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है माइनस में, वहां पे क्या होता है, रोड्स पे आइस जम जाती है ना, स्नोफॉल वगैरह हुआ और उसकी वजह से, उस आइस को मेल्ट करने के लिए, आइस को रोड से हटाने के लिए यूज किया जाता है NaCl। उन रोड्स पे ना क्या किया जाता है? NaCl स्प्रे कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके वो वाटर के फॉर्म में उस रोड से हट जाती है ना। तो इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे क्लास 12th में कि ऐसा क्या कर दिया NaCl ने कि उसने आइस को मेल्ट कर दिया और वो हट गई।
ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कॉमन सॉल्ट के बारे में। अब नेक्स्ट में हम लोग बाकी जो डिफरेंट सॉल्ट होंगे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।